सो इन क्वेश्चन नंबर टू विच इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई हैं जिसको मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ डिस्कस करना, तो आओ इसको देखते हैं राइट। एंगल्स विथ 45 डिग्री, अथर्व डोंट टच योर स्क्रीन राइट, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। 45 डिग्री जब पॉजिटिव है तो सेंस क्या है इसका, सेंस इज पॉजिटिव, सेंस पॉजिटिव सेंस क्या बताता है हमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स। तो यहाँ से ये 45 डिग्री ड्रॉ होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 45 डिग्री ठीक है। व्हेन इट इज -315 डिग्री तो ये कितना है, देखो माइनस साइन क्या बताता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कितना आ गया -90 राइट, -180, -270। 270 में कितना और ऐड कर दें ताकि ये 315 पहुंच जाएगा, ज़रा सोच के देखो 270 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये हमारे पास कितना पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली 45। तो अरे यार ये तो वही एंगल पहुंच गया, -315 डिग्री और 45 डिग्री, ये तो बिल्कुल सेम एंगल है। मैं इसमें क्या बोलूँगा, आर ज़ीरो एंगल्स, आर स्ट्रेट एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स, टर्मिनल को टर्मिनल एंगल्स, इसका क्या मतलब है। देखो जीरो एंगल्स कौन से एंगल्स हैं, जीरो एंगल्स वो एंगल्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो जो उनके बीच में जीरो डिग्री का एंगल बन रहा होता है ना, जीरो एंगल्स ठीक है। स्ट्रिक्ट जीरो डिग्री का एंगल कहना तो इसमें यहाँ पे सही नहीं होगा, बल्कि आप ये कह सकते हो कि वो एक्स एक्सिस से आगे ही नहीं बढ़ते है ना, दोनों के दोनों अगर एक्स एक्सिस पे ही रह गए तो वो कौन से है, वो जीरो एंगल्स हैं ठीक है। भाई एंगल कब होगा, जब वो एक्स पे ही रह गया तो जीरो एंगल्स है ओके। स्ट्रेट एंगल्स वो होते हैं जब दो एंगल, दो लाइंस के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, दैट दे आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल्स ठीक है। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, को टर्मिनल एंगल्स जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट होते हैं। अब जैसे देखो ये जो फर्स्ट एंगल है ये शुरू होकर के एंटी क्लॉकवाइज मूव किया और ये यहाँ पे गया ठीक है, एक ही जगह पे टर्मिनेट हो रहा है। जो दूसरा वाला एंगल है वो क्लॉकवाइज घूम करके और वहीं पे आ रहा है, तो ये क्या दोनों के दोनों एक ही जगह पे टर्मिनेट कर रहे हैं क्या, यस yes. तो मैं इसको क्या बोलूंगा, देयर को टर्मिनल एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स का क्या मतलब है, ये तो कुछ समझ में नहीं आता है ना, ये मतलब इसके बीच का तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है ठीक है। तो मैं इसका आंसर क्या बोलूंगा, देयर को टर्मिनल एंगल्स, दोनों के दोनों एक ही जगह पे टर्मिनेट कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं मतलब एंड कर रहे हैं, उनकी जो टर्मिनल लाइन है वो एक साथ कोइंसाइड कर रही है। हमने कल पढ़ा था ना सेंस ऑफ एन एंगल राइट, और टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड राइट, ये हमारे पास इनिशियल साइड है और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल साइड है ठीक है। तो दोनों के एंगल्स का जो टर्मिनल साइड है क्या वो को टर्मिनल एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, को टर्मिनल बोलेंगे ठीक है। अच्छा इसमें क्या है भाई, डैश इज द स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ऐसा कुछ डेफिनेशन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं ध्यान आ रहा ठीक है। आओ देखते हैं, डैश इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सेक्सागेसिमल। सेक्सागेसिमल क्या था तुम्हें याद आ रहा है, जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना वही तुम्हारे पास सेक्सागेसिमल है ठीक है। इसमें 1 डिग्री होता है राइट, रेडियन तो सेक्सागेसिमल में होता ही नहीं है, ये किस में होता है, सर्कुलर सिस्टम में होता है ना, ये सर्कुलर सिस्टम में होता है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा यूनिट है, सर्टेनली हमारे पास डिग्री है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, फिफ्थ क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 8:30। जब घड़ी में 8:30 बज रहे हैं तो उस समय मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा, ऐसा पूछ रहे हैं राइट। हाउ विल यू डील विद दिस क्वेश्चन, कैसे करोगे इस बात को, देखो मैं तुम्हें करके बताता हूँ ठीक है। इस पर कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे अभी आगे, आप देखोगे इस पर और क्वेश्चंस भी आपके करिकुलम में और कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं ठीक है। हालांकि ये स्कूल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मैं देखता हूँ नहीं पूछते हैं, बट कॉम्पिटिशन्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ये फिर भी थोड़ा आसान है, आगे थोड़े इससे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें क्लॉक के बारे में बताता हूँ, सर्टनली इट इज़ नॉट अ डिजिटल क्लॉक, दे विल टॉक अबाउट देन एनालॉग क्लॉक राइट, जो हमारे जनरली जो पुराने टाइम्स जो क्लॉक चलता रही है उसकी बात कर रहे हैं ठीक है। तो मैंने एक रफ क्लॉक ड्रॉ किया है, एक रफ स्केच ड्रॉ करा है। 8:30 से मुझे क्या समझ में आता है कि जो हमारे पास आर हैंड है वो 8 और 9 के बीचों बीच है, और जो हमारा मिनट हैंड है, मिनट हैंड वो एग्जैक्टली 6 पे है, कहाँ पे है, 6 पे है ठीक है। तो मैं इस एंगल को कैसे देखूंगा, क्या मैं इसको 90 कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं
है ना, क्यों? क्योंकि 90 तब होता जब ये एग्जैक्टली 9 पे होता है ना, 90 तब होता जब ये एग्जैक्टली 9 पे होता। अच्छा, एक डिवीजन कितने का होता है? कोई टेंशन नहीं है भाई, टोटल तुम्हारे पास 360 डिग्री होता है ना, उसमें तुम्हारे पास 12 डिवीजन होते हैं, यानी एक डिवीजन कितने का हो जाता है? 30 डिग्रीज का। तो एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया? 60, तो ये हो गया। और आधे घंटे में आधा मूव करेगा, एक घंटे में 30 मूव करेगा, तो आधे घंटे में कितना मूव करेगा? 30 डिग्री, 30 का आधा यानी कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। सो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर शुड बी व्हाट? 75 डिग्री। तो यहाँ पे बड़े आसानी से बिना ज्यादा एफर्ट के हम लोग आंसर तक पहुँच सकते थे। और कोई दिक्कत नहीं, आप 90 से 15 ला सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं इसमें क्या मार्क करूंगा? मैं इसमें 75 मार्क करूंगा, राइट? हाँ, इन्होंने ये कहा कि सर मैंने क्या किया, मैंने 90 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज ऑल्सो ओके, राइट? आप 8 से 15 डिग्री आगे बढ़ो या फिर 9 से 15 डिग्री पीछे आओ, आप पहुंचोगे तो वहीं पे जहां आपने पहुंचना है, ठीक है? अलविरा थोड़ा सा आंसर गलत हो गया ना, 60 डिग्री इज नॉट करेक्ट, इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी 75 डिग्री, ओके? 5 का भी आंसर हालांकि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा भी था, बट इट इज़ वेरी गुड कि आपने आंसर नहीं देखा और खुद से सॉल्व किया। आई होप इट इज क्लियर, इज इट फाइन एवरीवन? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। अ वायर 96 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द आर्क इन डिग्री इज, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या कह रहे हैं? एक तुम्हारे पास वायर है, ठीक है? ये वायर है, वायर की लेंथ कितनी बताई? 96 सेंटीमीटर। ये वायर की लेंथ 96 सेंटीमीटर है। और एक रेडियस है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर, ठीक है? इस वायर को अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल रख दिया गया, तो ऐसे कुछ रखा गया होगा, है ना? ऐसे कुछ हमें इसको रखा गया होगा, ठीक है भाई? और इसको थोड़ा रेड कर लेते हैं, राइट? 96 सेंटीमीटर का ये कुछ ऐसा रखा गया, चलेगा? ये लेंथ कितनी दे रखी है? 96। ये आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? यस, है तो सही। थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर होता है। हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो डिग्री में दे रखे हैं, तो क्या बहुत बड़ी टेंशन है ना? इतनी बड़ी तो नहीं है, हम लोगों को कैलकुलेशन तो करनी आती है। एल की जगह पे क्या रख दूँ? 96 रख देता हूँ। आर की जगह पे क्या रख दूँ? 180 रख देता हूँ। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें डिग्री टू रेडियन जाना है तो क्या करना है? पाई अपॉन 180 करना है। और जब हमें रेडियन, तो ऐसे रटने की जरूरत भी नहीं है, है ना? तुम बहुत सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, है ना? रटने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, सिंपल यूनिटरी मेथड से करना है, ठीक है? तो यहाँ जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन से देखना चाहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है ना? तो मेरे पास कितना आ रहा है भाई? ये आ गया 96, ये कितना है बच्चों? 22/7, ठीक है? क्या कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं? हाँ, हो रही हैं, कैंसिल कर देते हैं। कितना हो जाएगा बेटा? दैट वुड बी 48 into 7 कितना होगा? ये हो जाएगा 350 minus 14, यानी कि मैं बोलूँगा 336/11। ये कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आई मैंने मेंटली कैसे किया? कुड यू अंडरस्टैंड इट? मैं तुम्हें करके बताऊं। देखो, कैलकुलेशन भी ना तुम बहुत फास्टली कर सकते हो और ओरली कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया ना, ऐसे तुम भी कर सकते हो। देखो मैंने कैसे किया, मैंने मेंटल दिमाग में क्या सोचा था मैं लिख के बताता हूँ, बिकॉज मैं दिमाग तुम्हें अपना खोल के दिखा तो सकता नहीं ना, तो मैं लिख के बताता हूँ। ये 48 into 7 था ना, बताया मैंने कैसे देखा? मैंने इसको देखा 50 minus 2, मैंने इसको ऐसे देखा, मैंने इसको देखा 50 minus 2। क्यों? क्योंकि 50 into 7 की कैलकुलेशन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, 350, और 2 into 7 भी बहुत अच्छी लगती है। तो 350 में से अगर मैं 14 सब्सट्रैक्ट करूंगा बच्चों, क्या वो 336 नहीं होगा क्या? प्लस माइनस करना मेंटली पॉसिबल है, मतलब मेरे लिए, आपके लिए भी। मल्टीप्लाई करना, मुझे परेशानी होती है मल्टीप्लाई करने में, तो मैं इस तरीके से मेंटली कर देता हूं, आई फाइंड इट मच फास्टर, ठीक है? अब बात आती है कि सर कौन सा आंसर होगा? 30 डिग्री 30 डिग्री 30 मिनट्स, मैं इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि 330 होता तो ये कितना होता? 30 होता, है ना? अगर मेरा न्यूमरेटर 330 होता तो कितना होता एग्जैक्टली? 30 होता, तो 30 डिग्री से बड़ा होगा, 30 डिग्री से बड़ा एक ही ऑप्शन है, व्हाट इज दैट? दिस वन,
इस तरह के क्वेश्चंस में जब तुम एमसीक्यू क्वेश्चन डील कर रहे हो तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरा पूरा कैलकुलेशन करें, आप सिर्फ सही ऑप्शन पहचानेंगे, आप उतनी कैलकुलेशन करेंगे जितने में आप सही ऑप्शन को पहचान लें, ठीक है। हाँ, अगर हम एग्जैक्टली अभी करना चाहते हैं क्लास में तो हम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आओ कर लेते हैं, ठीक है। ये 336 है, इसको मैंने 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। मैंने 11 से डिवाइड किया, 3 से किया, ये हमारे पास एग्जैक्टली 33 से कैंसिल हो गया। 6 आया, यहाँ मैंने 0 लगाया, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो यस 0 लगाया तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 0 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 6 आया, ठीक है, 6 आ गया। अच्छा, फिर मैं अगर यहाँ पे डेसिमल लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 लिखना चाहिए था, है ना। तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे चलो इसको चाहो तो तुम 6/11 भी रहने दो, है ना। जैसे मैं इसको क्या बोलूँगा, 30 and 6/11, है ना, ऐसी तो हम लोग कर रहे थे। अब जब मुझे ये डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं 6/11 को किस में अप्लाई करूँ, 60 से कर दूँ क्या, 60 से कर देता हूँ, तो कितना हो गया, 360/11, दैट इज 360/11। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा फर्दर तो कितना आएगा बताओ, दिस इज कमिंग आउट टू बी 33, ठीक है। और फिर से कितना आया मेरे पास, 30 आया, 30 से कितना होगा, 32, तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 32 पॉइंट समथिंग। तो ये जो इन्होंने वैल्यू लिखी है ये क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। कितना आ रहा है हमारा आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 30 degrees and 32 minutes, ठीक है। तो दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर, आई होप यू गेट इट। बट ये एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, आप आसान, फर्स्ट ऑफ ऑल आओ क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन क्लॉक्स वाले में ना कुछ अलग भी आ जाए तो तुम इस बात को समझ सको, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 6 AM and 3:15 PM बाय द टिप ऑफ द 12 centimeter लॉन्ग आर हैंड इन अ क्लॉक इज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फैंटास्टिक क्वेश्चन है, राइट। क्या कहना चाह रहे हैं देखो, ये कह रहे हैं कि 6 AM, ओके 6 AM क्या है बेटा, 6 AM पे जो मेरी आर हैंड होती है, आर हैंड वो कहाँ पे होती है, एग्जैक्टली 6 पे, ठीक है। और जो हमारा मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली कहाँ पे, 12 पे, ठीक है। दिस इज माई मिनट हैंड एंड दिस इज माई आर हैंड, ऑल राइट, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन 6 AM and 3:15 PM, 3:15 पे क्या होगा भाई, 3:15 पे जो मेरे पास मिनट हैंड है वो तो एग्जैक्टली 3 पे है, और जो आर हैंड है वो स्लाइटली 3 से आगे पहुंच चुका है ना। दिस इज माई मिनट हैंड एंड दिस इज माई आर हैंड, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। लेट्स कॉल इट एज M1H1 एंड दिस इज M2H2, दो कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं, मैंने इसको ऐसे मेंशन करा, ठीक है, वंडरफुल। नाउ क्या कह रहे हैं, बाय द टिप ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग आर हैंड, आर हैंड के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कितना इसका डिस्टेंस बताया इन्होंने, इन्होंने डिस्टेंस बताया, इसका जो लेंथ बताई ये कितनी बताई, 12 सेंटीमीटर बताई। तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि आर्क की लेंथ बताओ, क्या बोल रहे हैं ये तुमसे कह रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। वी आर सपोज टू फाइंड एल, डू वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस, क्या हमें थीटा पता है क्या, पता तो है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, आओ सोचते हैं, टेंशन क्या है, लेट्स सी। अगर ये एग्जैक्टली 3 पे होता तो मैं क्या बोलता, 90 degrees बोलता, ठीक है। बट ये 3 से 15 मिनट आगे बढ़ चुका है बेटा, अगर 60 minutes में, 60 minutes में ध्यान से सुनना, 60 minutes में कितना एंगल कवर करती है ये आर हैंड, 30 degrees, राइट। तो देखना है भाई 15 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी, तो टेंशन क्या है, 30/60 × 15 काम खत्म, कितना हो जाएगा, 7.5, यानी एग्जैक्ट एंगल वो कितना होगा मेरे बच्चों, -7.5, दैट मींस दैट वुड बी 82.5 degrees। ये जो थीटा है डिग्री में तुमने निकाल लिया, रेड में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल काम है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हम रेड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी नो दैट व्हेनेवर वी यूज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, द एंगल हैज टू बी इन रेडियंस, ओके। तो मैंने यहाँ पे 82.5 लिखा, इंटू क्या पाई कर दूँ, कर देता हूँ, अपॉन में 180, ठीक है, इज इक्वल टू एल जो हमें चाहिए, और आर दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो क्या इससे हमें एल की वैल्यू पता लग जाएगी बेटा, यस पता लग जाएगी। यहाँ देखो ये तो 15 से पहले कैंसिल हो जा रहा है ना, 3 से पहले कैंसिल हो जा रहा है। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, कर डालो यार, पाई को रहने देते हैं बिकॉज सारे ऑप्शन में पाई दिख रहा है ना। तो मैं 825 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आई होप चलेगा, ठीक है।
मुझे दिखता है कि 25 से दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 25 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 25 से डिनोमिनेटर को करा तो 6 आ गया, एक पाई भी है, नॉट डोंट फॉरगेट, ओके, एक पाई भी है। नीचे हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। ऊपर जब मैंने इसको किया 25 से, तो 25 थ्री जा इज 75, 75 से फिर से गया तो 33, वेरी गुड। फिर से 3 से कैंसिल किया तो मेरे पास 11 पाई बाई 2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास? यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 37 पाई बाई 2, राइट। डिड वी मिस आउट विथ एनीथिंग? आओ एक बार ही चेक करते हैं, लेट्स चेक। 15 से हमने इसको कैंसिल किया, 12 था, ओके, ये तो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। और ये 825 पाई अपॉन 15 था। उसके बाद हमने इसमें एल्स 10 से ऊपर नीचे किया, तो 625 अपॉन 6 से कैंसिल हो गया, 25 से इसको कैंसिल किया, 25 3 is 75 से फिर 7 आया, 75 तो 33 हो गया। मेरे ख्याल से तो आंसर इसका 11 पाई बाई 2 सही होना चाहिए, 11 पाई बाई 2। यहाँ पे 37 पाई बाई 2 दे रखा है। अच्छा भाई आओ थोड़ा देर सोच लेते हैं, राइट। ये हमने इस साइड से एंगल देखा, इन्होंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस लॉन्ग आर इन द मिनट हैंड। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, अगर कभी तुम्हारे पास जो आंसर तुम ढूंढ रहे हो अगर वो तुम्हें नहीं मिलता है तो क्या वो गलत हो गया? क्या लगता है आपको, गलत हो गया? नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टेंसेस दो जगह से मेजर हो सकते हैं, एक डिस्टेंस ये है, राइट, और एक डिस्टेंस और भी है। ज़रा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्शंस, एक डिस्टेंस हमारे पास इधर का भी तो होगा, तो अगर मेरे पास वो वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर मुझे ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे करूँगा? मैं कोई खास टेंशन नहीं लूँगा, मैं सिर्फ क्या करूँगा, मुझे रेडियस दे रखा है, मैं देख लूँगा भाई 2πr कितना होता है, क्या देखूँगा 2πr कितना होता है, तो 2πr दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 24π, ठीक है, ये कितना है मेरे पास 24π। अब समझने की ज़रूरत है कि ये पूरी चीज़ अगर 24π है और ये वाला डिस्टेंस अगर मेरे पास 11π/12 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस। सो आई लुक फॉर कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है ना। कंसेप्चुअली कभी गलत नहीं होना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू बी कंसेप्चुअली रॉन्ग। तो मैं यहाँ पे जब सब्सट्रैक्ट करूँगा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 48π - 11π, ठीक है। This is coming out to be 48 में से अगर मैं 11 subtract करूँगा 37π/2। क्या ऐसा कोई option हमारे पास है? Yes. Is that the correct answer? Yes. क्या ये सही था? बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ सही गलत की बात नहीं होती है। When it comes to competitions, it is about getting the correct option. It is not just about you have done it right or you have done it wrong. Okay? Even if your concepts are right and if you miss out with those logical points, you miss out. Right? So you need to understand कि जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें सही ऑप्शन पहचानना है, करने के साथ साथ तुम्हें सही ऑप्शन पहचानना है। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्या किया, बड़ा दिमाग लगा दिया, क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन ऑप्शन इन्होंने मुश्किल बना दिया। तो हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया, हमने क्या किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, लेकिन उन्होंने दूसरा वाला डिस्टेंस दे दिया, ठीक है भाई कोई बात नहीं। एंगल क्या माइनस करना था, हाँ नहीं अभी तो फिलहाल ये एंगल नहीं पूछ रहे हैं, ये तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं। यहाँ पे एंगल की तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, है ना, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। I hope you're getting my point. ठीक है, so